अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन की मज़ेदार रेसिपी। आप इस तरह रेसिपी बनाकर खिलाइए अपने फैमिली को, बहुत मज़े का बनता है। इसके लिए 1.5 किलो मटन ले लूँ मैं, धो के पानी निथार के एक बाउल में डाल के रख ली हूँ मैं। इसी में डाल देंगे 6 टेबलस्पून ग्रीन गरम मसाला पेस्ट। ग्रीन गरम मसाला पेस्ट है ये, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी है और गरम मसाला, लौंग, इलायची, हरी मिर्ची, हरा धनिया और पुदीना, इन सभी डाल के इसको पेस्ट बना के रख ली थी। ग्रीन गरम मसाला का पेस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे है, वहाँ जाके देख सकते हो। नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ मैं। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, इसी में डाल देंगे काश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर 1 टेबलस्पून। आप अपने हिसाब से फीका कम या ज़्यादा कर सकते हो, मेरे हिसाब से मैं कर रही हूँ। इसी को अच्छे से हाथों से इस तरह मिक्स कर लेंगे। इसको तकरीबन 1/2 से 1 घंटा मैरिनेशन के लिए रख देंगे, आपके पास टाइम हो तो। टाइम नहीं तो आप फटाफट कुकर में डाल के भी इसको बना सकते हो। अच्छे से मिक्स कर लियो मैं। 1/2 घंटे के बाद आप देख लीजिए अच्छे से मैरिनेशन हो चुका है। गैस की ओर चलेंगे। गैस में कुकर रख लियो मैं, कुकर गर्म हो चुका है। इसी में डाल देंगे 1/2 कप ऑयल, आप कम या ज़्यादा डाल सकते हो। तेल गर्म हो चुका है, इसी में डाल देंगे खड़े गर्म मसाले, 1 तेज़पत्ता, 1 काली वाली इलायची, 3 हरी इलायची, 4 से 5 लौंग, 1 बादियान का फूल, 1/2 टीस्पून सफ़ेद जीरा, 1/2 टीस्पून शाहजीरा, इन सभी चीज़ों को इसी में डाल देंगे। खड़े गरम मसाले तेल में चटकना स्टार्ट हो चुका है, इसी में डाल देंगे 4 मीडियम साइज का प्याज, बारीक चॉप किया हुआ। प्याज का कलर चेंज होने तक इसको अच्छे से गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रख के लगातार चलाते इसको पका लेंगे। प्याज का कलर चेंज हो चुका है, आप देख लीजिए पिंकिश हो चुका है। इसी स्टेज में डाल देंगे मैरिनेट किया हुआ मटन, इसको अच्छे से भून लेंगे 3 से 4 मिनट। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रख के भून लेना है। 2 से 3 मिनट अच्छे से भून ली हूँ मैं, आप देख लीजिए मटन से पानी रिलीज हो चुका है। इसी में डाल देंगे 2 टीस्पून भुना धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून भुना जीरा पाउडर, इसी में डाल देंगे काश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, मैरिनेशन में डाल चुकी हूँ मैं, आप देख के डाल देना। नमक आपको कम लगा था इसी स्टेज में डाल दीजिए। इसको भी भुनाई करेंगे इसी के साथ। अच्छे से मसाला डालने के बाद अच्छे से भून लियो मैं, आप देख लीजिए। इसी में डाल देंगे 4 टमाटर को बारीक करके स्मैश करके रख लियो मैं। आप प्यूरी भी डाल सकते हो, मैं थोड़ा मोटा मोटा रख ली हूँ मैं इस तरह। इसको भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ईजी है ये, बहुत मज़ेदार है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करके देख लेना। इसी में डाल देंगे पानी, डाल देंगे 250 ml पानी डाल चुकी हूँ मैं। गोश्त गलने तक इसको पका लेंगे, 4 से 5 सीटी लगा लेंगे। गैस के फ्लेम हाई रख के 2 सीटी लगा लेंगे, उसके बाद गैस का फ्लेम धीमा रख के 3 सीटी लगा लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपके गोश्त के हिसाब से, कुकर के हिसाब से आप सीटी लगा लीजिए। उसी तरफ एक पेस्ट तैयार कर लेंगे, ऑप्शनल है आप डालना। ये इस तरह आप बनाएंगे ना, बहुत मज़े का बनता है, टेस्टी, अलग तरीके का। 10 से 12 टूटे हुए काजू, 2 हरी वाली इलायची, 2 लौंग, जावित्री का थोड़ा फूल है ये, जायफल का छोटा टुकड़ा, ज़्यादा नहीं डालना इन दो चीज़ों को, बादियान के फूल के 2 टुकड़े, 1/2 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून पॉपी सीड यानी खसखस, इनको डाल देंगे इसी में। इसी में डाल देंगे 3 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट, खोपरे का पाउडर है। आपके पास खोपरा पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश कोकोनट को थोड़ा रोस्ट करके डाल दीजिए, वो भी मज़े का लगता है। इसी में डाल देंगे 1/2 कप फ्राइड ऑनियन,
थोड़ा पानी डाल के इसको बारीक करके पीस लेंगे। बिना दही के बनने वाली है, आप चाहे तो दही डाल के इसके साथ पीस सकते हो। मैं बिना दही के पीस रही हूँ। डेसिकेटेड कोकोनट डालने से दही डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको बारीक ग्राइंड, कुकर ठंडा हो चुका है, ओपन कर लेंगे। आप देख लीजिए तेल की तरी ऊपर आ चुका है, गैस बंद है। केवल मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसी तरह आप सर्व कर सकते हो। पीस मटन गल चुका है, आप देख लीजिए। ग्राइंड किया हुआ पेस्ट डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसी जार में थोड़ा पानी डाल देंगे, डाल के इसमें खंगाल के डाल देंगे। गैस को ऑन कर लेती हूँ मैं। पानी डाल के खंगाल के इसमें डाल चुकी हूँ मैं। अब जितना चाहे इतना पानी डाल दीजिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, इस तरह कंसिस्टेंसी होना चाहिए। इसको पका लेंगे अच्छे से, एक से दो उबाल आने तक। आप इसी स्टेज में नमक डाल सकते हो, कम लगा तो। मैं नमक कम लगाता डाल चुकी हूँ। इसी में डाल देंगे दो हरी मिर्च को इस तरह कट करके। कसूरी मेथी को डाल देंगे आधा टी स्पून। हरा धनिया डाल देंगे गार्निशिंग के लिए, ऊपर से थोड़ा, ऊपर से हरा धनिया थोड़ा डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस को बंद कर लियो मैं, इस तरह ढक के 3 मिनट के बाद डिश आउट करके बताती हूँ। डिश आउट कर चुकी हूँ। हमारा मज़ेदार मटन की इजी रेसिपी इस तरह आप बनाकर खिलाइए अपने परिवार को, बहुत ही मज़ेदार है। इसको आप पराठा, चपाती, नान, चावलों के साथ भी इसको खाया जाता है। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। इसे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाइए। मेरे रेसिपी देखने वालों को अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन। मुझे भी दुआओं में याद कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिए। लाइक करना ना भूलिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।